कितना शांत स्टेशन है करमाली स्टेशन, बहुत ही शांत स्टेशन है यहाँ। गोवा को अभी बहुत है डेवलप होना, खास करके पब्लिक के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए। नमस्कार, जय हिंद। मैं कुमार स्वागत करता हूँ अपने एक नए वीडियो में। दोस्तों, मैं आज जाने वाला हूँ फ्रॉम पनवेल टू गोवा, मतलब कि मैं पनवेल से अभी निकला हूँ। जो गांव से निकलती हुई ट्रेन, जैसे हमारे यहाँ लोकल ट्रेनें होती हैं, बट सुबह कभी कभी सुबह आती हैं, शाम दोपहर को नहीं आती हैं, शाम को आती हैं, वैसी ट्रेनों से और वैसे जगहों से मैं सफ़र करने वाला हूँ। ये जो ट्रेन है, ये पनवेल से गोवा जा रही है गांव से होते हुए। ये दिन में एक ही बार जाती है और शाम को दूसरी ट्रेन निकलती है। दोस्तों, मैं बीच में सारा दिखाने वाला, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक डू द लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। दोस्तों, अक्सर लोग वीडियो बनाते हैं, सफ़र करते हैं और दिखाते हैं नज़ारे, जैसे अच्छे अच्छे जगह, या फिर स्पोर्ट ट्रेन, या फिर यूँ कह लीजिए कि अच्छे से अच्छे लोग वीडियो दिखाते हैं। बट मैं आज कुछ अलग करने वाला हूँ, क्योंकि जो गांव से गुजरती है ट्रेन, मैं वैसा व्यूज़ दिखाने वाला हूँ आप लोगों को। आप लोगों वीडियो उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आएगा। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। दोस्तों, ये ट्रेन चली है फ्रॉम मुंबई टू गोवा के लिए, जिसका गाड़ी का नंबर है 01213। थोड़ी देर में पनवेल स्टेशन आने वाला है। दोस्तों, ये है कोलंबो स्टेशन, जो कि ठीक पनवेल स्टेशन के पहले पड़ता है। पनवेल स्टेशन से एक स्टेशन पहले पड़ता है। देख सकते हैं हम कैसे नज़ारे हैं, कितने अच्छे हैं व्यूज। दोस्तों, कुछ देर में सूर्य अस्त होने वाला है। शायद मैं रात को कोई वीडियो अपलोड ना कर पाऊँ। हो सकता है मैं इस स्टेशन के बाद मैं नेक्स्ट वीडियो जो रिकॉर्ड करूँगा वो शायद गोवा के अंदर का हो, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। गुड मॉर्निंग फ्रॉम गोवा। दोस्तों, टाइम नाउ 6:00 इट्स मॉर्निंग। दोस्तों, मैं रात को कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि रात के टाइम पे कहाँ दिखता उतना ही, तो मैं कोई रिकॉर्ड नहीं किया। तो अभी मैं गोवा में हूँ, मड़गांव स्टेशन पे, और थोड़ा सा भूख लगा था, मैं नाश्ता कर रहा हूँ। गोवा स्टेशन के बगल में ही आरोही चाट करके एक शॉप है, मैं इनके पास थोड़ा नाश्ता किया और बैठा हूँ। सुबह टाइम है और मैं सोच रहा हूँ कि ऑफ़िस खुले तो मैं जाऊँ, और गाड़ी पिक करने के लिए आएगा ऑफ़िस का, तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पे। दोस्तों, अगर आपको सुबह सुबह नाश्ता करना है या भूख लगी है, तो अगर आप नाश्ता करना चाहते हैं तो बैक साइड गेट या फिर प्लेटफॉर्म नंबर चार से निकलेंगे मड़गांव स्टेशन से। एक भाई हैं जो उत्तराखंड के रहने वाले हैं, इनकी शॉप जो कि सुबह मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग 4 बजे खुल जाती है, और आप यहाँ पर आके नाश्ता विस्तार कर सकते हैं, चाय जो भी मिले यहाँ पर गर्मा गर्म खा के अपना पे भर सकते हैं। सुबह सुबह टाइम बता रहा हूँ। गोवा में सफ़र करने, ट्रेन से सफ़र करने में कुछ अलग ही एक्सपीरियंस है सच में। एक बार सफ़र आप यहाँ पे आकर विजिट कीजिए, बहुत ही अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा। क्योंकि मैं अभी मड़गांव स्टेशन में गया था, बट मुझे बैक साइड जाना था और मैं ऑफिस की कॉल का वेट कर रहा था, बट अब मुझे जाना पड़ेगा बैक साइड, और देखते हैं अगले स्टेशन पर क्या कैसे रिस्पॉन्स मिलता है, वहाँ पर वहाँ एक्सपीरियंस कैसे हैं, मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ वीडियो में। आप लोगों को बता दूँ, गोवा में थोड़ा थोड़ी ठंड बढ़ गया है, और शायद इस वीडियो के लास्ट में आप लोग वीडियो पूरा देखते रहिएगा, शायद इस वीडियो के लास्ट में या फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा कि मुंबई के अंदर कैसे आप
विदाउट टिकट ट्रैवल कर सकते हैं, आई मीन पास लेके। मैं उसका इन्फॉर्मेशन दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, या फिर ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं हुआ तो मैं ऐसे वीडियो बना दूंगा आप लोगों को, तो आप लोग देखते रहिए। अगर आपको मेरा सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं जो भी अपडेट देता रहूँ आप लोगों को मिलेगी, क्योंकि मैं ज़्यादा करते रिलेटिव ट्रैवल से रिलेटिव वीडियो बनाता रहता हूँ। आप लोग बने रहिए मेरे वीडियो में, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा। लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, आप जब भी आप लोगों को मौका मिले तो एक बार जरूर वहाँ पे विजिट कीजिएगा। दोस्तों, गोवा भारत का वह 28वां राज्य है जहाँ पे सिर्फ जो सबसे छोटा प्रदेश है, और यहाँ पे सिर्फ दो ही डिस्ट्रिक्ट पाए जाते हैं। दोस्तों, गोवा ज़्यादा करके विजिटर जो फॉरेनर के लोग फॉरेन से लोग आते हैं घूमने के लिए, उनके लिए एक काफ़ी कपल्स लोगों के लिए यह बहुत ही चुनिंदा प्लेस है। दोस्तों, गोवा के अंदर जो है कि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, अब देख सकते हो इतना सुबह सुबह जो है कि मैं स्वेटर लाना भूल गया हूँ, बट लोग बोलते हैं गोवा के अंदर सर्दी पड़ता नहीं, और यहाँ पर देखा कोहरा छाया हुआ है पूरा बहुत ज़्यादा। बात करें गोवा की सुंदरता तो ये है गोवा की सुंदरता।
ऑफिस की। आपका भाई पहुंचा है करमाली स्टेशन। अब यहां से मैं निकलूंगा बाहर और यहीं से मुझे गाड़ी पिक करेगी और जाऊंगा ऑफिस तक। तो देखते हैं आगे का प्रोसेस क्या चल रहा है और यहाँ का नज़ारे क्या है। यार मैं अब तक ट्रेन से ही सफ़र कर रहा हूँ, मतलब गोवा के किसी विजिट प्लेस पे गया नहीं हूँ। बट क्या मैं स्टेशन पे ही देख रहा हूँ, यहाँ पे बिहारी और यूपी के लोग ज़्यादा रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा हम जनसंख्या मिल रहे हैं। ट्रेन के अंदर भी जो सामान सेल कर रहे हैं, जो स्टेशन पर हैं, कहीं भी मुझे मिल रहे हैं, बिहार के ज़्यादा मिल रहे हैं। वाकई में यार कितना शांत स्टेशन है करमाली स्टेशन, बहुत ही शांत स्टेशन है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांतिजनक लोग हैं, यहाँ पे कोई चिलपिल नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब क्योंकि गांव का स्टेशन है ना इसलिए। दोस्तों यह है गोवा के करमाली स्टेशन बाहर का सीन। देखिए चुनाव प्रचार के लिए दीदी जी यहाँ पे बिछाई हुई हैं और कितना सुंदर नज़ारा है। यार गोवा में सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ बढ़िया है, यहाँ के क्लाउड मौसम वगैरह वगैरह जो कि सारे बढ़िया हैं। बट मुझे यहाँ पे एक चीज़ अच्छी नहीं लगी कि यहाँ पे यातायात के साधन, जैसे अगर आपके पास खुद की गाड़ी है तो आप यातायात मतलब कहीं भी आ सकते जा सकते हो, बट कहो कि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करूँ तो फिर नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते हो। यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के माने में मैं यहाँ पे अभी तकरीबन चार से पाँच किलोमीटर से ज़्यादा पैदल चल चुका हूँ। हालांकि ऑफिस वालों ने बोला भी कि नहीं, जहाँ पर मैं मिलने गया था उन लोग बोला भी कि नहीं मैं आपको स्टेशन तक छुड़वा सकता हूँ। मैं बोला नहीं मैं चला जाऊँगा, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मैं चला जाऊँगा। बोला कि नहीं यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की उतनी सुविधा नहीं जितना आप चार सोच रहे हो बाहर अदर स्टेटों के साथ। हालाँकि गोवा जो है कि हर चीज़ में अच्छा है, बट क्या है कि यहाँ पर किसी भी यातायात के माने में अभी तक कोई भी डेवलप यहाँ पर नहीं हुआ है, नथिंग। क्योंकि 5 किलोमीटर से पैदल मैं खुद चल रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं कि नहीं डेवलप हो। यहाँ पे मुझे कोई भी एक रिक्शा एक बस नहीं मिला, पैदल ही चल रहा हूँ। इसमें सच में कहूँ तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से गोवा अभी भी बहुत पीछे है। हालांकि इसे लोग बोलते हैं डेवलप कंट्री, बट मैं इसको नहीं मानता नहीं डेवलप कंट्री में है, क्योंकि यहाँ पे यातायात के साधन नहीं है, रिक्शे वगैरह वगैरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, कैसे जाएगा आदमी, किस तरह से ट्रैवल करेगा। गोवा 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 को भी बहुत है डेवलप होना, खास करके पब्लिक के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए।